मैं कुछ नहीं देख रही, हम तो पूरा कोऑपरेट करेंगे। जिससे बात करें जिस तरह से एनसीपी के कई ऐसे लीडर हैं, बात करें छगन भूजल हो, अनिल देशमुख से कई ऐसे लीडर जिनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, हालांकि अब वो पार्टी चेंज करके हालांकि बीजेपी से अलायंस हो गए, कहीं ना कहीं इनको भी प्रेशर बना जा रहा है ताकि आपको बीजेपी को ही पूछना पड़ेगा। मैम एक और सवाल आना चाहिए, ममता बनर्जी ने अभी घोषणा की है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले अलायंस पर चुनाव लड़ेगी, उनके इस फैसले को आपकी क्या इसमें कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। मैम इसी सवाल को लेके हालांकि यूपी में हमने देखा अखिलेश भी इसका इंडियन गठबंधन के अलायंस पार्टनर है। हर राज्य का मॉडल अलग होगा। क्या कहीं ना कहीं टूट-फूट भी पड़ता नजर आ रहा है? टूट-फूट नहीं है, सब अच्छा ही होगा। क्या आपकी बात हो पाई मैम इसको लेकर? सबसे हम बात करते हैं रोज।